आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ये चेक करेंगे कि आपके सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है या नहीं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इंडियन गैस अगर आप लिए हुए हैं, अगर आप उसमें बैंक अकाउंट ऐड किए हुए हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जो आप लेते हैं इंडियन गैस उसका सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में आता है या नहीं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से आप कैसे ये चेक करेंगे कि आपके सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है या नहीं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप ये सीख पाएंगे किस तरीके से इंडियन गैस का जो आप लेते हैं गैस उसका अकाउंट में आपके बैंक अकाउंट जो लिंक हुआ है तो उसमें आपके पैसा सब्सिडी का आता है या नहीं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने गैस सब्सिडी चेक करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप LPG पे क्लिक करेंगे जहाँ सिलेंडर का आइकन बना हुआ, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आप टाइप करेंगे सब्सिडी स्टेटस। सब्सिडी स्टेटस टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर सीट पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक मेन्यू आ जाएगा कैटेगरी का, इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सब्सिडी रिलेटेड पहल, आपको इस पर ओके करना है। जैसे इसको आप ओके कीजिएगा कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे सब्सिडी स्टेटस में यहाँ चूज करेंगे सब्सिडी नोट रिसीव्ड। अब यहाँ पे आपको LPG ID डालनी होगी। अगर आपको LPG ID नहीं पता है तो यहाँ नो योर LPG ID पर ओके करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जहाँ से भी है, जो भी स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है कि आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर का नेम चूज कर लेंगे कि आप कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ कस्टमर नंबर डाल देंगे, जो भी कस्टमर है तो उसका जो कस्टमर आप देखिएगा उस पर जो खाता रहता है गैस का उस पर रहता है कस्टमर नंबर, तो आपको वहाँ पे कस्टमर नंबर डाल देना है। कस्टमर नंबर यहाँ पर आप टाइपिंग कर देंगे जो भी आपका है, तो वो यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। मैं अपना टाइपिंग करके बाद यहाँ फाइंड ओपन को क्लिक ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगी। तो आपके सामने ये LPG आपकी ID आ जाएगी और साथ ही यहाँ पे ये इंसर्ट भी हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपको करना है सिंपली कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली कैप्चा फिलअप करेंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ सिंपली करेंगे सबमिट पर ओके। तो सबमिट पर ओके करते ही आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होके आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से ये ओपन होके आ गई है। तो आपको इस तरह से टेबल आ जाएगी, आप देख रहे हैं आप कितना सिलेंडर लिए हैं, अब आपका कितना सब्सिडी अमाउंट था, आपका बुकिंग जो डेट है वो कौन सा डेट है ये आप देख सकते हैं। इसका आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप यहां से देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट नंबर है और आप कौन सा डेट में सिलेंडर लिए हैं, कितना सिलेंडर लिए हैं, कितना अमाउंट वगैरह जहां जमा किए हैं, कैश मेमो वगैरह है, कैश मेमो डेट भी आपका यहां पे दिया हुआ है, सब्सिडी स्टेटस दिया हुआ है कि स्टार्ट वगैरह, बुकिंग डेट भी आपको और दिया हुआ है, बैंक डिटेल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला तो सिंपली आप यहाँ टिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि आप इस डेट में ये सिलेंडर अगर आप बुक किए हुए हैं और उसका ये जो सब्सिडी अमाउंट इसका ये है और यहाँ पर दिखा रहा है कि इस बैंक अकाउंट में आपका ये क्रेडिट किया गया हुआ है, जो दिखा डेट भी दिखा रहा है कि इस डेट को, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे टिक करना है। या अगर आपने किस कोई भी सिलेंडर लिया था और आपको इस टेबल में शो ही नहीं कर रहा है, तब भी आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको लिखना है कि यहाँ पर आपको लिखना है कि सब्सिडी नहीं मिल रही है। इसके लिए यहाँ पर आप कंप्लेन लिखेंगे, जो यहाँ देख रहे हैं कि 5 करेक्टर वर्ड में दिया हुआ, तो यहाँ पर आप 5 करेक्टर वर्ड में अपना कंप्लेन यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने अपनी कंप्लेन पेपर पर लिखी हुई है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एड अटैच, तो यहाँ पर से जाके भी आप अपने फाइल को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि सब्सिडी नोट रिसीव इन माई बैंक अकाउंट। तो इसी तरीके से आप अपनी
पूरी कंप्लेंट आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपको 500 करेक्टर में है, तो आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको लिख देनी है। और इसके बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो जाएगी, और साथ ही चेक किया जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी आखिर आ क्यों नहीं रही है, और इसके बाद उसको फिक्स किया जाएगा। सो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्सिडी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो वो किस बैंक अकाउंट में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आप सिंपली यहीं पे आके अपना कंप्लेन लिख सकते हैं। अगर पेपर में लिखे हुए हैं तो अटैचमेंट पर क्लिक करके यहाँ अटैचमेंट करके सबमिट कर दीजिएगा, तो अभी ये आपका रिसीव वहाँ पर हो जाएगी। सो गाइस, अब तो आप सीख ही लिए होंगे कि कैसे ये चेक करेंगे कि आपके सब्सिडी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।